हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फॉरेंसिक सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट चैट जीपीटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु डेवलप्ड इट? इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ GPT-3 लैंग्वेज मॉडल विच वॉज डेवलप्ड ऑन OpenAI। GPT-3 इज अ लार्ज पावरफुल लैंग्वेज मॉडल डेट वॉज ट्रेंड ऑन अ वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड चैट जीपीटी इज अ वेरिएंट ऑफ दिस मॉडल डेट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर गैदरिंग टेक्स्ट इन अ कन्वर्जेशनल स्टाइल। चैट जीपीटी एक GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का ही वेरिएंट है जो OpenAI प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुआ है। GPT-3 जो था वो एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है जिसे लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन मतलब टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसे ट्रेन किया गया था। तो वैसे ही चैट जीपीटी उसी का एक वेरियंट है जो टेक्स्ट को लेकर एक कन्वर्जेशनल वे में हमसे बात करते हैं और हमें रिप्लाई देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉट डज GPT इन चैट जीपीटी मीन्स? तो GPT स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ अ लैंग्वेज मॉडल डेट यूजेस डीप लर्निंग टेक्निक्स टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। GPT मॉडल्स आर ट्रेंड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेट आर एबल टू जनरेट टेक्स्ट डेट इज सिमिलर टू द इनपुट दे वर ट्रेंड ऑन। जैसे हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि एक लैंग्वेज मॉडल है तो ये मॉडल डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज करता है ताकि ये ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सके, और हमने ये भी देखा था कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को लेके ही ट्रेन हुआ है। तो GPT मॉडल्स भी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को लेके ट्रेन हुए हैं जिसकी वजह से जिस टाइप की हम क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं उससे सिमिलर हमें ये रिप्लाई और रिस्पॉन्स देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डज इट डू? एज अ लैंग्वेज मॉडल चैट GPT इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग टेक्स्ट इन अ कन्वर्जेशनल स्टाइल। दिस मीन्स डेट इट कैन जनरेट रिस्पॉन्सेज टू यूजर इनपुट इन अ वे डेट साउंड्स नेचुरल एंड ह्यूमन लाइक। तो चैट GPT का एक फीचर ऐसा है कि इसके जो रिस्पॉन्सिबल है ये ऐसा लगता है कि हमसे बात कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे कन्वर्जेशनल स्टाइल भी कह रहे हैं। तो इसी की वजह से इसके जो रिस्पॉन्सेस है वो ज़्यादा ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन ही बैठ के हमें हमारे क्वेरीज और क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट कैन आई डू विद चैट GPT? तो एज अ वेरियंट ऑफ GPT-3 लैंग्वेज मॉडल चैट GPT इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर जनरेटिंग टेक्स्ट इन अ कन्वर्जेशनल स्टाइल। दिस मीन्स डेट इट कैन बी यूज इन चैटबॉट एप्लीकेशंस वेयर इट कैन रिस्पॉन्स टू यूजर क्वेरीज और एंगेज इन कन्वर्जेशंस विद यूजर्स। अब जैसे कि एक चैट GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का वेरियंट है तो हमने देखा कि कन्वर्जेशनल स्टाइल में रिप्लाई देता है, तो इसे हम चैटबॉट्स के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये यूज़र को उनके क्वेरीज का रिस्पॉन्स दे सकता है इस तरीके से कि जैसे कि कन्वर्जेशन शुरू हो 1 person to 1 person। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज चैट GPT फ्री टू यूज़? येस, ऑल यू नीड टू डू इज साइन अप फॉर एन अकाउंट विथ OpenAI.com। हाँ, तो चैट GPT फ्री टू यूज़ है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके लिए हमें कोई मेम्बरशिप या कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो है कि chat.openai.com, यहाँ पे जाके हमें साइन अप करना पड़ता है हमारे अकाउंट के लिए, और साइन अप करने के बाद हम चैट GPT को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, लिमिटेशंस ऑफ चैट GPT। अब कोई भी टूल हो या बॉट हो उसके कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशंस रहती है। तो एज विथ एनी टूल और टेक्नोलॉजी देर आर लिमिटेशंस टू विच चैट GPT कैन डू। बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज मॉडल चैट GPT कैन ओनली जनरेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू ब्राउज द वेब, एक्सेस इंटरनल डेटाबेस और परफॉर्म अदर टास्क डेट रिक्वायर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ इट्स ट्रेन डेटा। जैसे कि हमने कहा कि एक टूल है तो इसके लिमिटेशंस भी रहते हैं। तो ये एक टेक्स्ट बेस्ड बॉट है जो सिर्फ हमें चैट में ही या टेक्स्ट के वे में ही हमें रिस्पॉन्स देता है। ये कोई भी टाइप का ग्राफिक रिप्लाई नहीं देता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है। अगर आप इसे कहोगे कि मुझे कोई इमेज डिज़ाइन कर देती वो नहीं कर सकता है, ना ये कोई इंटरनल डेटा या एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस कर सकता है, ना ये आपके लिए वेब ब्राउज़र एक्सेस करता है, ये इंटरनेट सर्फ नहीं कर सकता है। सो अभी हम चैट GPT डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। तो जब आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट पेज आएगा वो चैट GPT का ऐसा रहेगा जहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कैपेबिलिटीज़ दिए, रिमेंबर्स व्हाट यूज़र सेड अर्ली इन द कन्वर्जेशन, या अलाउज यूज़र टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी उसने खुद ही ने दे दिए हैं इसकी, जैसे कि मे ओकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मे ओकेशनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट। अभी इसी एक लिमिटेशंस की वजह से रिसेंट में जो भी न्यूज़ में थोड़ा सा जो नेगेटिव कमेंट्स चैट GPT के रिगार्डिंग जा रहे हैं
वो सब इसी की वजह से जा रहे हैं, जो कि बायस कंटेंट। और जो लास्ट एक दिया है यहाँ पे, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, मतलब 2021 के बाद में उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ही नॉलेज है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं इसे एक बेसिक सा कोड लिखने कहता हूँ कि जैसे कि राइट अ प्रोग्राम फॉर टू जनरेट प्राइम नंबर्स। अब और मैं लैंग्वेज दे देता हूँ पाइथन, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट प्राइम नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे इसे एक प्राइम नंबर जनरेट करने के लिए कोड लिखने का है पाइथन लैंग्वेज में। तो देखते ये इसका रिस्पांस क्या आता है। तो वी हैव अ सिंपल प्रोग्राम दैट जनरेट्स प्राइम नंबर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये धीरे धीरे कोड लिखना स्टार्ट कर देगा पाइथन लैंग्वेज में प्राइम नंबर्स जनरेट करने का। और प्रॉपर कोड लिखने के बाद वो यहाँ पे उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि दिस प्रोग्राम जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ ट्रू फॉल्स वैल्यूज फॉर ऑल नंबर्स अप टू nth। अब जब ये क्वेश्चन मैंने किया तो इसने ये क्वेश्चन यहाँ पे सेव भी कर लिया ताकि फ्यूचर में मैं इसे वापस यूज़ कर सकूँ, प्लस मैं इस कोड को कॉपी भी कर सकता हूँ और कहीं कंपाइल करके भी देख सकता हूँ। अब ये सिर्फ कोड लिखने तक के ही नहीं है, आप यहाँ से जैसे बेसिक क्वेश्चन जैसे खाना बनाना या कोई रेसिपी भी आप इसे पूछ सकते हो। अब इस एग्जांपल से आप देख सकते हो कि फ्यूचर में हमारा कितना काम इजी कर देगा, चाहे फिर कोड लिखना हो या कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करना हो। आप इससे कोई एप्लीकेशन का कोड भी लिखवा सकते हो या आप अपनी कोई वेबसाइट का भी पूरा कोड इसे लिखवा सकते हो। हाँ, बट एंड में आपको उसमें थोड़े से करेक्शंस आपके नीड के हिसाब से करने पड़ेंगे। सो ये था एक बेसिक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो, या जैसे हमने कहा कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ChatGPT, वो सब हमने यहाँ कवर कर लिए। अब ChatGPT के समान और भी AIs है, जैसे कि ChatGPT सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है, कुछ AIs है जो ग्राफिकल इमेजेस या ग्राफिकल रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो ऐसे और मल्टीपल AIs जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और हम फिर कंपेयर करेंगे कि कौन से AIs किस किस काम में आते हैं और हम उन्हें कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।